गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ पोलन ग्रेन। देखिए, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको पोलन ग्रेन के बारे में बताया था, ये आपका नेक्स्ट पार्ट है पोलन ग्रेन का। पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज सेवर एलर्जिक एंड ब्रोंकल अफेक्शंस इन सम पीपल, ऑफ्टन लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। देखिए, पोलन ग्रेन की बहुत सारी ऐसे स्पीसीज हैं जो आपकी कॉज करती हैं एलर्जिक और ब्रोंकल अफेक्शंस कुछ पीपल्स में, जिसकी वजह से क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि आपका अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है। इट मे बी मेंशन दैट पैराथेनियम और कैरेट ग्रास, जो आपकी कैरेट ग्रास है, जब वो इंडिया में आई थी किसके साथ, इम्पोर्टेड वीट के साथ, हैज बिकम एबिकेट्स इन ऑक्रेंस एंड कॉज पोलन एलर्जी। तो इसने कॉज करा था पोलन एलर्जी। तो कुछ आपके पोलन ग्रेन्स की स्पीसीज ऐसी होती है जो आपकी क्रिएट करती है पोलन एलर्जी, जिसकी वजह से बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी क्रिएट होते हैं, जैसे कि आपका अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इट हैज बिकम ए फैशन इन रिसेंट ईयर टू यूज पोलन टैबलेट एज फूड सप्लीमेंट। देखिए, पोलन ग्रेन जो है आपका रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में, और ये एक फैशन बन गया है कुछ सालों से कि पोलन टैबलेट जो है आपके फूड और सप्लीमेंट की जगह यूज होने लगा है। इन वेस्टर्न कंट्रीज ए लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप आर अवेलेबल इन द मार्केट। पोलन कंजप्शन हैज बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्स। देखिए, पोलन ग्रेन जो है आपके रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है, ये आपका फैशन बन गया है कुछ सालों से कि पोलन टैबलेट जो आपके फूड सप्लीमेंट की जगह यूज होने लगा है। और वेस्टर्न कंट्रीज में तो लार्ज नंबर में पोलन प्रोडक्ट जो आपके टैबलेट और सिरप के फॉर्म में यूज होते हैं, क्या अवेलेबल हैं आपके मार्केट में, और यूज होते हैं किसके फॉर्म में, टैबलेट और सिरप के फॉर्म में, जिसकी वजह से इंक्रीज होती है परफॉर्मेंस किसकी, एथलीट्स की एंड रेस हॉर्स की। तो ये पोलन आपका जो है, पोलन ग्रेन्स जो है न्यूट्रिएंट्स में आपके रिच होने की वजह से ये आपका सप्लीमेंट में यूज होता है। तो ये अभी मैंने आपको दो पैराग्राफ में बताया, पोलन ग्रेन्स से एलर्जी क्रिएट होती है और पोलन ग्रेन्स का जो आपका यूज होता है सप्लीमेंट में भी यूज होने लगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये आपकी परफॉर्मेंस जो होती है एथलीट की, उसे क्या करता है, इंक्रीज करता है। और ये आपका सिरप और टैबलेट के फॉर्म में आ रहा है, ये मेनली वेस्टर्न कंट्रीज में लार्ज नंबर में ये चीज यूज हो रही है। अब बात करते हैं आपकी नेक्स्ट पैराग्राफ की। वेन Once they are shed, pollen grain have to land on the stigma before they lose viability. देखिए, अब वर्ड आया आपका viability। हम viability, pollen viability क्या होती है, pollen grain function। देखिए, pollen viability का मतलब होता है आपका जब pollen grain functional होता है, मतलब कि उसमें क्या होता है, capability होती है कि वो क्या कर सके, fertilize हो सके। When once they are shed, जब वो गिरते हैं पोलन ग्रेन, हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा। आपको पता है स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी जो है आपके पिस्टल के पार्ट होते हैं, तो आपका जो स्टिग्मा होता है वो आपका सबसे पहला पार्ट होता है, ठीक है। स्टिग्मा बिफोर दे लूज वायबिलिटी इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन रिटेन वायबिलिटी, द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिमेन वायबल इज हाईली वेरिएबल एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। देखिए, आपका जो पोलन वायबिलिटी होती है, सबसे पहले मैं उस टर्म को रिपीट कर रही हूँ, क्या होती है, पोलन ग्रेन जब आपके फंक्शनल होते हैं। ये जो आपके पोलन ग्रेन की वायबिलिटी होती है, ये अलग अलग होती है, मेनली आपकी 30 मिनट्स है। देखिए, इन सम सेरेलेक्स सच एज राइस एंड वीट, पोलन ग्रेन्स लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट। अगर 30 मिनट से पहले वो स्टिग्मा पर नहीं पहुंचते हैं तो वो अपनी वायबिलिटी को लूज कर देते हैं। इसका टाइम पीरियड है आपका 30 मिनट देयर रिलीज। एंड इन सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी दे मेंटेन वायबिलिटी 4 मंथ्स। लेकिन रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी फैमिली में ये मेंटेन कर सकते हैं अपनी वायबिलिटी को कुछ महीने तक, 4 मंथ्स तक। तो आपने देखा है इसकी वायबिलिटी जो होती है 30 मिनट्स होती है। और ये दूसरा नंबर टू है आपका, डिपेंड करती है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पर। और थर्ड आपका, ये स्टोर किए जाते हैं लिक्विड में नाइट्रोजन के, उनका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। तो पोलन बैंक्स में ये स्टोर होते हैं पोलन, सिमिलर टू सीड बैंक इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो ये आपको पोलन ग्रेन के बारे में पता चला, पोलन वायबिलिटी के बारे में पता चला, कि आपकी राइस, वीट,
पोलन ग्रेन्स की जो वायबिलिटी होती है 30 मिनट्स की होती है, और जो आपकी रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी की जो आपकी वायबिलिटी होती है ये मंथ्स की होती है। यू मे हैव हेयर ऑफ स्टोरिंग सीमेन स्पर्म ऑफ मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर देखिए स्पर्म भी स्टोर किया जाता है, आपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का टर्म पढ़ा होगा, ऐसे ही आपके स्टोर होते हैं पोलन ग्रेन्स में, वो भी लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर, सालों तक पोलन ग्रेन्स जो हैं आपके स्टोर होते हैं, वो भी किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में, जिसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस, और ये स्टोर होते हैं आपके पोलन बैंक्स में, सिमिलर टू सीड बैंक्स। जो आपने देखा कुछ सीड बैंक्स होते हैं, आपने देखा जो ये आपके नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं एनिमल्स के लिए, तो इसी, और आपका क्या स्पर्म के लिए आपके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है ह्यूमंस में, ठीक है, ये आपके, तो ये आपका है पोलन बैंक्स में, जिसमें आपके पोलन ग्रेन्स जो हैं स्टोर होते हैं।